Morning students. So yesterday we started with the financial and non-financial incentives given to the employees for motivation. Financial incentives हमने कर लिए थे. Coming to the non-financial incentives, जिसमें non-financial incentives में हमने सबसे पहले start किया था. Just wait. Status. ठीक है. So in the organizational context, status means ranking of the positions in the organization. अगर हम personal sense में देखें तो status है कि आप कितने एक अच्छे घर में रहते हैं, कौन सी कार चला रहे हैं, उससे आपका status जज होता है. लेकिन organizational context में देखा जाए तो आपका status आपकी position की ranking से जज होता है. ठीक है, आप clerk हो, आप deputy manager हो, आप ग्रुप मैनेजर हो या मैनेजर हो या जनरल मैनेजर हो. ठीक है. सो द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, पर्क्स एंड प्रेस्टीज ऑफ जॉब इंडिकेट द स्टेटस गिवन टू अ पर्सन होल्डिंग अ मैनेजरियल पोजीशन. ठीक है. तो हम किसी भी एक पर्सन को, जो भी जिसने एक पोजीशन होल्ड की हुई है, उसको हमने कितनी अथॉरिटी दी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास, क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसकी क्या रिकॉग्निशन है, यानी क्या ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स के को उसके बारे में पता है, उसको क्या पर्क्स मिल रहे हैं. ठीक है, इस सब से उसके बारे में पता चलता है. ठीक है. सो द साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर सेटिस्फाइड बाय द स्टेटस गिवन टू देयर जॉब. एक पर्सन की, देखो, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो उसकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई, मॉनेटरी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन हर एम्प्लॉय के कुछ साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल नीड्स भी होती हैं, उनको स्टेटस से फुलफिल किया जा सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव गिवन टू द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम. देन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. सो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है. ठीक है, और उसको हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, अलग बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव हर्ड व्हेन न्यू टीचर्स कम हियर, दे से यहाँ का एटमोसफेयर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर स्कूल्स. ठीक है. सो विच कैसे पता चलता है आपका, कि अगर किसी स्कूल में लेटर से लेवल्स हैं, ठीक है, उनकी कुछ टीचर्स हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजर है, फिर कोऑर्डिनेटर है, हर जगह पॉलिटिक्स है. ठीक है, तो एक दूसरे को हम नीचा दिखाने में वहां पे टीचर्स लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नए टीचर्स आते हैं, जैसे नो, वी हैव अ वेरी कॉर्डियल एटमोसफेयर, यहाँ पे ऐसे कोई लेग पुलिंग नहीं है. ठीक है, सब कोऑपरेट करते हैं. सो दिस इज वन थिंग विच दिस मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एक आपको एग्जाम्पल दे लूं कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या है. सो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मींस द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कॉर्डियल एनवायरनमेंट है ना, तो ग्रुप में काम किया जाता है, या इस तरह से सॉरी शेड्यूल बनाया जाता है. सो दीज थिंग्स, सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स influence the behavior of individuals in the organization. ये जो चीजें हैं, जो organization के characteristics हैं, ये individual के behavior को भी influence करती हैं. ठीक है, हमारा behavior जो है that gets influenced by our climate, isn't it? अगर आप एक pleasing environment में जाओगे, आप भी pleasing बन जाओगे. अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाओगे जहां पे एक दूसरे पे सब शाउट कर रहे हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे, आप भी सब पे काम करने के लिए सबके ऊपर शाउट करोगे. ठीक है. सो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इंडिविजुअल अटोनमी. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिविजुअल को अटोनमी दी जाती है. अटोनमी समझ गए, इंडिपेंडेंस, काम करने की इंडिपेंडेंस. तो काम, आपके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आपको ऑटोनॉमी दे दी जाती है, भाई ये तेरा काम है, इसको बाय हुक और बाय क्रूक यू हैव टू डू. जैसे कि आप बैंक में, आपकी एम्प्लॉयमेंट हुई, आपको एक टारगेट दिया गया कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, इतने अमाउंट का आपने फिक्स डिपॉजिट लेके आना है. सो उसके लिए आपको जनरल मैनेजर बार बार तंग नहीं कर रहा, वो कहता है बस एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे अपना टारगेट दिखा देना, आपने आप जिस तरह से मर्जी काम करो.
ठीक है. वन थिंग इज दिस ऑटोनॉमी, देन रिवॉर्ड ओरिएंटेशन. जस्ट वेट. ओके अंश इज देयर. कंसिडरेशन टू एम्प्लॉइज, क्या एम्प्लॉइज को ड्यू कंसिडरेशन दी जाती है, मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनको उनके ऊपर क्या अफेक्ट होगा, क्या इसको माइंड में रखा जाता है कि नहीं रखा जाता. देन रिस्क सच काइंड ऑफ यू नो फीचर्स डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. सो इफ द मैनेजर्स टेक पॉजिटिव मेजर्स रिगार्डिंग दीज एस्पेक्ट्स इट हेल्प्स टू डेवलप बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. एक मैनेजर अगर पॉजिटिव स्टेप्स लेता है, मतलब वर्कर्स को ऑटोनॉमी देता है, उनके उनकी कंसीडरेशन रखता है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, उनको रिवॉर्ड देता है, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन काम है, मतलब अगर किसी ने अच्छा काम किया उसको एक्नॉलेज किया, उसको अप्रिशिएट किया, ठीक है, इस तरह से अगर वो पॉजिटिव मेजर्स लेता है तो दिस एक्ट्स एज ए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. मतलब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इटसेल्फ इन इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन. आपको जब एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको टाइम टाइम पे आके आपको बुला के एक्नॉलेज किया जा रहा है, या आपको यू नो जैसे हमारे स्कूल यहाँ पे एनुअल फंक्शन में बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जाता है, सो थ्रू आउट द ईयर बाकी टीचर्स को रहेगा वी शुड डू वेल, है ना, दे विल बी मोटिवेटेड टू डू वेल टू इम्प्रूव देयर रिजल्ट, इजंट इट. सो इन दिस वे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को इम्प्रूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. बेटे हर इंडिविजुअल ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल पे जाना चाहता है. कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जिसमें प्रमोशन की कोई संत महात्मा ही होता है जो कहता है अरे जहां बैठे हैं वहां ठीक है, कोई बात नहीं, उनको बढ़ने दो, हम तो यहीं रहेंगे, ठीक है. तो एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू ग्रो टू द हायर लेवल. सो मैनेजर्स शुड प्रोवाइड द एम्प्लॉइज द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, ठीक है, एंड बी प्रमोटेड टू द हाई लेवल जॉब. अब आप सोचो कि हाँ मैम चलो ठीक है, फिर आप ऐसे कह रहे हो तो कैसे उसको मोटिवेट करें, हर चार साल बाद उसको प्रमोट कर दो, ऐसा नहीं है. टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करो. मैनेजर उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे कि उससे उसकी स्किल्स इम्प्रूव हो, एंड देन ही शुड बी प्रमोटेड टू हायर लेवल्स ऑफ जॉब. देन एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड साउंड प्रमोशन पॉलिसी विल हेल्प एम्प्लॉइज टू अचीव प्रमोशंस. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते जाते हैं और उसके बेसिस पर एक प्रमोशन भी आप अपने एम्प्लॉइज को दे देते हैं तो इट वर्क्स एज अ टॉनिक फॉर द एम्प्लॉइज. एक उनके लिए टॉनिक का काम करेगा एंड इट इनकरेजेस द एम्प्लॉइज टू एग्जिबिट देयर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस. अगर आप से अपनी लेके जाते हो मैनेजर के पास, ये देखो इस बारी मैंने इतना टारगेट अचीव किया, और वो कहता है अच्छा ठीक है फाइल रख दो मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है नेक्स्ट टाइम, फिर उसका ऐसे बिहेवियर रहा, तो मतलब आपने अपना टारगेट एक्सीड किया है और आपको कोई कंसिडरेशन ही नहीं दी जा रही, आपको उसके बेसिस पर कोई प्रमोशन का ही नहीं सोचा जा रहा, तो क्या होगा एक दो साल तक आप आपकी मोटिवेशन रहेगी नहीं. आप बोलोगे ठीक है जैसे मेरे को क्या जरूरत पड़ी भाग दौड़ के, मैं अपना टारगेट अचीव कर रहा हूँ, उसको एक्सीड कर रहा हूँ, अपने कॉन्टैक्ट्स को इनकैश करके मैं ये सब काम कर रहा हूँ और मेरे को कोई इसकी कोई प्रमोशन नहीं मिल रही है, ठीक है. तो एक साउंड प्रमोशन पॉलिसी जो है इट एक्ट्स एज ए टॉनिक फॉर द एम्प्लॉइज. देन नेक्स्ट वन इज जॉब एनरिचमेंट. सो जॉब एनरिचमेंट का मतलब ऐसे जॉब्स डिजाइन करो जिसमें वर्क कंटेंट की वैरायटी हो. डिजाइनिंग सच जॉब्स विच कंटेन ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट विच रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल. देन गिव योर वर्कर्स मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. है ना, एक ऐसा वर्क एनवायरमेंट जिसमें आप अपनी पोटेंशियल को एक्सीड करो. आपको पता ही ना हो कि अच्छा आप ये कर सकते थे, लेकिन आपके मैनेजर ने ये काम डिजाइन करके दिया और आपने कर लिया, ठीक है ना. सो ऐसा वर्क कंटेंट रिच जिसमें एक अच्छा यू नो ऐसे आपकी नॉलेज को टेस्ट करे, आपकी एनहेंस करे आपकी नॉलेज को, आपकी स्किल्स को,
आपको ज्यादा अटोनमी दी जाए, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ये लो ये अब तेरा काम है, तूने ही करना है, जैसे मर्जी कर, जो मर्जी हथियार अपनाओ, मेरे को ये टारगेट कंप्लीट चाहिए। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, अटोनमी भी आ गई, ठीक है। देन ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस। सो अगर बेटे जॉब एनरिचमेंट है ना, तो इट इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जॉब ही एक मोटिवेशन का सोर्स रहेगा आपके लिए, अलग से कोई एक्सटर्नल मोटिवेटर देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जॉब इटसेल्फ इतना एनरिच्ड है ना, कि आपको अपनी आपको मजा आ रहा है काम करने में, अरे वाह इसमें तो ये अब पता चलेगा कैसे होगा ये काम, है ना, अच्छा इसमें हर बार क्या हाँ सेम नहीं, वर्क कंटेंट, वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट शुड बी देयर। जैसे एक लॉयर है, उसके पास हर बार ही अलग केस आता है, तो हर केस को इनग्रॉस हो जाता है हर केस में, है ना, कि हर बार क्योंकि नया एंगल उसको देखने को मिलता है ना। तो जो लोग इंजॉय करते हैं अपने काम को, इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेटर टू देम, जॉब इटसेल्फ इज अ मोटिवेटर टू देम। सो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमें नहीं मालूम कौन इंजॉय करेगा, कौन सिर्फ पैसा कमाने ही आया है, किसी का मकसद होता है चलो पैसे ही कमाने, जॉब से जैसे मर्जी काम, है ना, लेकिन हमें तो नहीं ना मालूम। आज की जो यूथ है वो एक्साइटमेंट जा, है ना, तो वो उसके लिए आपको एक अच्छा वर्क कंटेंट देना पड़ेगा, वैरायटी देनी पड़ेगी। देन एम्प्लॉई रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द नीड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ देयर वर्क एंड ड्यू रिकॉग्निशन। ज्यादातर लोग हैं उनको लगता है कि हमारा काम इवैल्यूएट हो और हमें रिकॉग्निशन मिले अपने काम की, है ना। रिकॉग्निशन तभी मिलेगी ना अगर आपका काम दूसरों से बेटर है, तो वो कैसे पता चलेगा दूसरों से बेटर है, इवैल्यूएशन से। जितने भी आपके कोलीग्स हैं उन सबका काम इवैल्यूएट होगा और उसके बेसिस पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। सो दे फील दैट दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर्स कंसर्न्ड। हमारी एक सेटिस्फेक्शन, इट्स अ सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। लाइक फॉर अस टीचर्स, इफ यू गिव अस अ फीडबैक, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप उसका आंसर दे देते हो, ठीक है, वी फील आवर वर्क इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, वी फील हैप्पी, हमें जॉब सेटिस्फेक्शन है। लेकिन अब जितने टाइम हमने ऑनलाइन पढ़ाया, वी हैड नो जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमें पता है बच्चे सो रहे, तो हमें लगता है कि हम तो इसको पढ़ा रहे हैं आगे से, कोई हमें कोई जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। फिर वो पढ़ाने का भी वो आपका मोमेंट टेम्पो नहीं बनता, आपका वो बेस्ट जो है ना वो आप नहीं दे पाते हो, क्योंकि जब आप यहाँ बैठे हो आप कोई ना कोई तो क्वेश्चन कर देता है, मैम ये कैसे, या मैम समझ नहीं आया दोबारा से। देन व्हेन यू टीच दी सेकंड वे, ऑफकोर्स इट कम्स आउट टू बी अ बेटर वे, है ना, एक डिफरेंट वे से बच्चों के पास जाके आप समझाना इज समथिंग डिफरेंट। सो रिकॉग्निशन मतलब हमें, मैं चाहती हूँ मेरे को मेरे काम की रिकॉग्निशन मिले। रिकॉग्निशन का मतलब एक्नॉलेजमेंट एंड ड्यू एप्रिसिएशन। एक्नॉलेज लाइक इफ आई गॉन टू अ न्यू इंस्टीट्यूट, ठीक है, और मेरे को भी उसमें 200 का स्टाफ मेंबर्स हैं 200, और मेरे को 6th डे ही प्रिंसिपल ने मेरे नाम से बुलाना शुरू कर दिया, एक्नॉलेज किया कि आपके बच्चे दे आर एप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, ठीक है, सो वर्क हार्डर, वी विल गिव यू प्रमोशन, ठीक है, यहाँ हम आपको कंफर्म कर देंगे ऐसे करके, दिस इज एक्नॉलेजमेंट एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। सो व्हेन सच एप्रिसिएशन इज गिवन टू द वर्क परफॉर्म बाय द एम्प्लॉइज, दे फील मोटिवेटेड टू परफॉर्म, ठीक है। किस तरह से रिकॉग्निशन, आप कभी मैकडोनल्ड गए हो, मैकडोनल्ड में वो एम्प्लॉई ऑफ द मंथ लगा होता है, लगा होता है, दिस इज व्हाट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, एम्प्लॉई रिकॉग्निशन, ठीक है। और तरीके बताए हुए एम्प्लॉई रिकॉग्निशन के, कंग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉई फॉर गुड परफॉर्मेंस, आपका एनुअल फंक्शन में आइटम अच्छी गई, आपको बुलाया गया, एप्रिशिएट किया गया, कंग्रेचुलेट किया गया, डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड और इन द कंपनी न्यूज लेटर अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द एम्प्लॉई, ठीक है। इसको आप स्कूल से रिलेट करें, अगर हम क्योंकि स्कूल में हैं तो उससे आई कैन रिलेट, एनुअल फंक्शन में आइटम अच्छी गई, स्टेज पे अनाउंस कर दिया गया ये बेस्ट आइटम, ठीक है, और जिस तैयारी करी उसको बुलाया गया। देन प्रोस्पेक्टस में
बेस्ट टीचर के बारे में छापा गया, ठीक है, यहाँ किसी और टीचर की कोई अचीवमेंट्स रही, ठीक है, किसी ने बुक लिखी, किसी ने कोई ऐप बनाया, जो भी अचीवमेंट्स रही वो भी एनुअल रिपोर्ट या स्कूल की मैगजीन में प्रिंट की गई. देन इंस्टॉलिंग अवार्ड और सर्टिफिकेट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, मैंने अभी बताया बेस्ट टीचर अवार्ड आप एनुअल फंक्शन में देते हैं अपने टीचर को, सो इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेटर. देन डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंटोस और कॉम्प्लीमेंटरीज लाइक टी शर्ट्स इन द रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉइज सर्विसेस, उसके नाम की टी शर्ट्स या मोमेंटोस डिस्ट्रीब्यूट करना. देन रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉई फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन, अगर एम्प्लॉई ने कोई अपनी सजेशन दी है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऐसा है कि आप एम्प्लॉई को इनकरेज करते हो कि अपनी सजेशंस दे, अगर क्लाइमेट ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट है कि एम्प्लॉई जा ही नहीं पाता आगे मैनेजर के पास, उसके दिमाग में 10 बातें आ रही हैं कि ऐसे करने से ना हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सेल्स इंप्रूव कर सकते हैं, बट देन क्लाइमेट इज सच ही इज अफ्रेड टू गो टू द मैनेजर, इन दैट केस तो वो मोटिवेटर नहीं है. लेकिन अगर आप उसको एक अच्छी सजेशन देते हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, देन उसको उसके लिए रिवॉर्ड करना, ठीक है. सपोजिंग करो मैकडोनल्ड में किसी एक एम्प्लॉई ने कहा अपने मेन्यू में ये ऐड कर दो, और वो ऐड करने से क्या हुआ, आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोग आके परपेचुअली उसी को डिमांड कर रहे हैं, तो आपका बनता है ना उसको रिवॉर्ड करना, ठीक है. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज जॉब सिक्योरिटी. सो एम्प्लॉइज वॉन्ट देयर जॉब्स टू बी सिक्योर, है ना. सो उनको अपने फ्यूचर के लिए स्टेबिलिटी चाहिए. वो अगर हमेशा वरीड रहेंगे, अरे मेरे को निकाल ही ना दें काम से, मेरी फैमिली का क्या बनेगा, मेरे पैसे, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, अगर हमेशा उसके माइंड में ऐसा रहेगा तो वो जील से काम नहीं कर पाएगा. जहां पर डर होता है ना, वहां पे आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते, इजंट इट. तो आप हमेशा डर डर के ही रहोगे और आपसे गलत काम होगा, ठीक की बजाय आपका काम गलत होगा. एक तो ऑलरेडी आप डरे हुए हो, है ना, ऊपर से आपका काम जब डर, इस साइकोलॉजी से काम करोगे कहीं आपको निकाल ही ना दे, आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है काम की, उस केस में आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, ठीक है. सो खासकर इंडिया जैसी कंट्री में ये जो आस्पेक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग इन एडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटीज. यहाँ पे तो किसी को नौकरी मिलती है वो शुक्र करता है, अच्छा थैंक गॉड काम मिल गया, इतनी मतलब 100 एप्लीकेंट्स में से एक को काम मिलता है ना. तो ऑफकोर्स दिस इज थिंग इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. तो इसीलिए थोड़ी सी जॉब सिक्योरिटी देना एम्प्लॉयर के पार्ट पे मस्ट है, दैट विल एक्ट एज अ मोटिवेटर. बट इसका एक नेगेटिव आस्पेक्ट भी है, जब लोगों को लगता है कि उनकी मतलब काम अब सिक्योर हो गया, इनको कोई काम से नहीं निकाल सकता, दे बिकेम मोर रिलैक्स्ड, कंप्लेसेंट हो जाते हैं. स्पेशली जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हम बात करते हैं ना, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं कि लॉस में चला गया, है ना, फिर हम ये कहते हैं अरे यहाँ पे तो काम नहीं होने, गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ जाना पड़ेगा लाइसेंस बनवाने, अच्छा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है ना, तो पैसे देने पड़ेंगे, होता है ना ऐसे, या यहाँ पे चक्कर लगवाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी रिलैक्स्ड, उनको पता है हमारे ऊपर कोई है नहीं है, कोई काम, हमारा काम सिक्योर्ड है, जॉब सिक्योर्ड है ना, हम करें ना करें पहली तारीख को हमारे अकाउंट में पैसे डल जाने. सो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है. ओके, नेक्स्ट इज एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन. सो दिस मींस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉईज इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू देम. कंपनी को कितनी डिसीजंस लेनी पड़ती हैं, एंड सम ऑफ द डिसीजंस आर रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्प्लॉईज. है नहीं, बोनस उनसे पूछ के नहीं लेंगे, कुछ भी हो सकता है. जैसे सपोज कंपनी मर्ज हो रही है ना, कोई और उसको टेक ओवर कर रहा है, तो उस केस में आप डायरेक्टली अफेक्ट हो गए. कोई नया चेंज इंट्रोड्यूस, अब ऑनलाइन क्लासेस हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस की और टीचर्स को बताया ही नहीं कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, है ना. अगर मैं ये नहीं कह रही कि बताया नहीं, मैं कह रही हूँ लेट अस से नहीं बताते हैं और आपको मॉर्निंग में आके पता चलता है कि भाई आपको ऑनलाइन क्लासेस ऑपरेट करनी है. सो द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू यू शुड बी
you should be taken into consideration. So employee participation in the form of joint management committees, okay, work committees. One more example we can give, okay, जिनसे आप directly relate करते हो, जैसे canteen है, ठीक है, canteen में teachers जाते हैं तो बच्चे भी जाते हैं, तो एक कैंटीन की कमेटी बना दी, हमारे स्कूल में बनी हुई है, ठीक है, जिसमें दो टीचर्स को मेंबर बना दिया गया, दे विल जस्ट गो एंड सी इफ एवरीथिंग इज फाइन, दे कैन एनी टाइम गो टू द कैंटीन, सी द क्लेनलीनेस पार्ट, सी द हाइजीन पार्ट, है ना, सी दैट ही इज नॉट चार्जिंग मच फ्रॉम द आइदर फ्रॉम द टीचर्स और फ्रॉम द स्टूडेंट्स. सिमिलरली एक डिसिप्लिन कॉमेटी बना दी, एक क्लेनलीनेस कॉमेटी बना दी कि देखो वॉशरूम्स वगैरह प्रॉपरली क्लीन होते हैं, क्लासेस में क्लीनिनेस हो रही है, डस्टिंग हो रही है प्रॉपर कि नहीं हो रही. सो जहां पे वो डायरेक्टली यू नो अफेक्ट होते हैं वहां पर उनकी पार्टिसिपेशन कर दी गई. देन इम्प्लॉई इम्पावरमेंट. इम्प्लॉई इम्पावरमेंट का मतलब इम्प्लॉयज को ज्यादा अटोनमी देना, पावर्स देना, ठीक है, अपने जो आपके सुबॉर्डिनेट हैं उसको हमेशा ऐसे नहीं, अच्छा तू ये कर तू वो कर, उसको ऐसे करना है वैसे करना नहीं, गिव हिम सम अटोनमी, बिकॉज आपने उसको सिखाना है काम, वो आपका सुबॉर्डिनेट है, यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मोर ओवर व्हेन यू विल गिव हिम मोर अटोनमी मोर पावर, तो उससे एक मोटिवेशन आएगी कि नहीं. आपको अगर मैंने कह दिया बेटे आपने सारा रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, तो आपको लगेगा मैम ने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, होता है ऐसे मॉनिटर्स का, मैम मैंने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, आई हैव टू गिव माय बेस्ट, मैंने मैम से बात नहीं सुनी, ठीक है, आपने फिर मेरे को कॉल किया मैम कैसे करूं, ये तो फोन नहीं दे रही, ये तो दे नहीं रहा, इट्स अप टू यू कार्तिक, यू हैव टू मैनेज इट, यू मैनेज इट समहाउ, आई एम गिविंग यू अथॉरिटी, आई एम गिविंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कॉल देयर पेरेंट्स, यू डू व्हाटएवर, ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बार बार कह रही हूँ इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे मत कर देना, इसको ऐसे नहीं कर देना, तो यू विल फील बग्ड अप, क्या मेरे को ऐसे मैम ने काम दे दिया, ठीक है. सो एक एम्प्लॉई को फील कराओ कि भी उसके पास भी पावर है, वो सिर्फ एक सबॉर्डिनेट नहीं है, वो उसके पास भी पावर है, वो भी किसी के ऊपर, मतलब जो ऊपर होगा जिसका कोई सबॉर्डिनेट होगा ना वो सुपीरियर फील करेगा, सीधी सी बात. No? जिसका भी कोई सुबॉर्डिनेट है he will feel superior. तो उसको empower करो, उसको बताओ कि उसका जॉब जो है वो इम्पोर्टेंट है, और जब उसको लगेगा what I am doing is very very important for the organization, without me ये काम नहीं होता, और organization मतलब का ये काम आगे वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा, तो ये फीलिंग जो है ना ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है, वो हाँ उन वो अपने स्किल अपने टैलेंट को मतलब निचोड़ के अपने जॉब में डाल देगा. क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी डाउट यहां तक बेटे? ये आपको इसकी हेडिंग्स प्रॉपरली लर्न कर लेनी है क्योंकि केस स्टडी में आपको ये आ सकती है, ठीक है. ओके, कमिंग टू मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. सो बेटे मोटिवेशन जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट अ सिंपल कॉन्सेप्ट. सो मेनी रिसर्चर्स दे हैव स्टडीड अबाउट मोटिवेशन फ्रॉम सेवरल डायमेंशंस एंड दे हैव डेवलप्ड सम थ्योरीज. सो जो इनमें से मैस्लोज की जो थ्योरी है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये काफी मतलब फंडामेंटल मानी जाती है टू अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन. अब्राहम मैस्लो ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, यानी है कि वो कोई बिजनेस पर्सन है, नहीं, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट. सो ही पब्लिश्ड हिज पेपर इन 1943 एंड ही आउटलाइंड द एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. सो उसकी जो बेसिकली बेटे जो थ्योरी है ना That is based on human needs के ऊपर based. वो कहता है कि हर human being में ना there exists hierarchy of five needs. Hierarchical level, समझते हो? ये hierarchy. वो कहता है पांच
नीड्स की हायरार्की है। फर्स्ट नीड, दिस इज दी बेसिक नीड्स, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड मतलब ये बेसिक है, दीज आर रिलेटेड टू द प्राइमरी नीड्स। रोटी कपड़ा और मकान जैसे कहते नहीं हम, खाना खाना है, भूख लगती है, खाना चाहिए हमें, ठीक है, पानी की नीड, शेल्टर की, नींद की, स्लीप की, दीज आर सम ऑफ द बेसिक नीड्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में हम बात करें, तो सैलरी हेल्प्स अस फुलफिल, बेसिक सैलरी हेल्प्स अस फुलफिल दीज नीड्स। जो हमारी बेसिक सैलरी है, ठीक है, चाहे कम है या ज्यादा है, जनरली हमारी सैलरी से हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल पे है हायरार्किकल, है ना, तो ये नीड्स हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, सो सेकंड इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। सो ये जो नीड्स हैं, ये हमारी जो सिक्योरिटी नीड्स हैं, दे प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। ठीक है, मतलब कल को हमारी जॉब जो है वो सिक्योर होनी चाहिए, हमारी इनकम स्टेबल होनी चाहिए। देखो हमें सैलरी मिल रही है, उससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है, बेसिक नीड्स, लेकिन क्या इससे हम खुश हैं? नहीं, हमें लगता है कि एक हमारे पास जॉब, कल को हमारी इमोशनल नीड्स भी है कुछ, मतलब कल को अगर ये जॉब चलेगी तो फिर क्या बनेगा, है ना, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कहाँ से सेटिस्फाई होगी। तो इसीलिए उसके बाद हमारी, वंस यू नो दिस नीड इज सेटिस्फाइड, पहले आप भगवान से प्रे करोगे, अरे बस रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए। जब रोटी कपड़ा और मकान मिल गया तो आपको लगेगा ये मिलता रहे, है ना, इमोशनल नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, एंड फॉर दैट यू विल ऑल्सो प्लान पेंशन प्लान्स। अब मैंने हमेशा तो नहीं, 60 years के बाद तो मैंने जॉब नहीं करनी, तो 60 years के बाद मेरे पास कहाँ से आएगा, तो उसके लिए भी मेरे को अभी प्लान करना पड़ेगा, पेंशन प्लान्स। सो ये आपकी नीड्स, मतलब आपकी इतनी कोई सैलरी हो जाए कि आपकी ये वाली नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। सो ये सोशल सिक्योरिटी नीड्स जो है, इनको हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नीड्स। दीज गेट फुलफिल्ड बाय पेंशन प्लान्स। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये किससे फुलफिल होती है, पेंशन प्लान से। मतलब अगर जब मेरी ये नीड्स फुलफिल हो गई तो अब मेरे को कुछ सालों बाद लगने लग गया कि मेरी यू नो ये मिलती रही है चीजें मेरे को, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट प्लान करूंगी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। सो वंस दी सोशल और सिक्योरिटी नीड्स आर सेटिस्फाइड, क्योंकि कहते हैं ना इंसान जो है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो उसके बाद आपकी जो नीड आएगी दैट इज मोर इन साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, एंड दैट इज एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड। सो आपको लगेगा आपको सेंस ऑफ एक बिलोंगिंगनेस, अगर हम इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यू वुड नाउ लाइक मे बी लाइक टू यू नो गेट मैरिड, और यू वुड लाइक टू हैव सम फ्रेंड्स विद होम यू कैन शेयर योर फीलिंग्स और योर हैप्पीनेस और योर सैडनेस, और जो आपको एक्नॉलेज करे, जो आपको अप्रिशिएट करे, ठीक है, टाइम टू टाइम आपको एक्सेप्ट करे एज इट इज, ठीक है। सो इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट अगेन हाउ दिस नीड इज फुलफिल्ड, बाय हैविंग कॉर्डियल रिलेशंस विद योर कोलीग्स। अगर आप आते हो सुबह और आप किसी को हेलो बोलते हो और वो मुंह उधर करके चला जाता है, आपका सारा दिन खराब जाएगा। आप स्टाफ रूम में बैठे हो, आपको कोई बुला ही नहीं रहा, आपके साथ कोई खाना नहीं शेयर कर रहा, आपको आना, आप अगले दिन छुट्टी कर लोगे, अरे मजा ही नहीं आया काम करके, तो
है ना। सो एक वो जो इनफॉर्मल नीड्स जो है आपकी वो इससे सेटिस्फाइड होती है। नेक्स्ट, क्योंकि ये नहीं है कि हर नीड आपकी मनी से ही रिलेटेड है ना, ये बेसिक नीड्स है मनी से रिलेटेड है, ये भी मनी से रिलेटेड है, प्लानिंग ऑफ मनी से रिलेटेड है, बट दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।